भाई ये होंडा एक्टिवा स्कूटी है, इसको जो है वो टोचन करके लाए थे, रस्सी वगैरह भी है इसकी, ठीक। तो ये बैटरी के बाद हटाते ही बंद हो जाती है, और इसमें इसकी जो बैटरी है वो बार बार डिस्चार्ज हो जाती है। मैंने अभी अपने पास से बैटरी इसमें दूसरी लगाई हुई है, चार्ज बैटरी है ये वाली, ठीक है। इसकी बैटरी अभी चार्जिंग पर लगी हुई है। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ, स्टार्ट करो। लॉक ऑन करो, हॉर्न बजाओ। अब करो स्टार्ट। तो देखिए अभी स्कूटी स्टार्ट है, लगा एक्सीलेटर लो बस। और जैसे ही मैं इसके यहाँ से बैटरी के वायर हटाऊंगा तो ये बंद हो जाती है, ये देखिए बंद हो गई। तो यही इसमें प्रॉब्लम है, ये बैटरी मैंने इसमें अलग से लगाई है, इसकी बैटरी चार्जिंग पे लगी हुई है। तो ये इसमें समस्या थी, इसको टोशन करके लाया गया था, ठीक है। और ये वायर वगैरह उसकी नोच जो होती है वो यहाँ से सब खुली हुई थी। तो इसमें जो समस्या है उसको हम चेक करेंगे और इसकी जो प्रॉब्लम है वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है तो आप उसको सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका आर यूनिट देखना पड़ेगा कि इसका आर यूनिट कहाँ पर है। तो इसका आर यूनिट यहाँ पर है, चलिए हम इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये करेंगे, ये चेक करेंगे कि इंजन से आर यूनिट पर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसका आर यूनिट तो यहाँ पे है, यहाँ अंदर लगा हुआ है, शायद आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं इंजन पे और वहाँ पे जाके इसमें ये चेक करेंगे कि इंजन से करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है आर यूनिट के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ से मैग्नेट कोयल से जो वायर आती है ये वाइट कलर की, हमें इसमें करंट चेक करना है। ये सॉकेट लगे हुए जैसे ही भी लगा हुआ है, इस तरीके से ही इसमें सफेद वायर में करंट चेक करना पड़ेगा। चलो ठीक है, लगाओ। बस तो देखिए यहाँ पे स्पार्किंग हो रही है, यानी यहाँ पे करंट आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें आगे जाना होगा और वहाँ से सॉकेट निकाल के देखेंगे आर यूनिट का, ठीक है। यहाँ पे करंट आ रहा है और यहाँ से सॉकेट लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। तो अब यहाँ पे इसके अंदर आर यूनिट लगा जाता है, उसका सॉकेट निकालना पड़ेगा। यहाँ से हाथ डाल के निकालो, अंदर से निकालो अच्छी तरह, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहता है यहाँ से आर यूनिट का सॉकेट निकालना। तो वही व्हाइट कलर की वायर देखिए यहाँ पे आ जाती है, ये देखिए यहाँ पे दिखाओ व्हाइट कलर की वायर, ये इसका जो कैप है वो पीछे करो, कैप पीछे करो थोड़ा सा, सॉरी। यहाँ पे देखिए ये हल्की सी इसमें भीड़ रहती है ना, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखिए यहाँ पे ये रही व्हाइट कलर की वायर। तो अब हमें इसमें करंट चेक करना पड़ेगा, देखो इसमें करंट चेक करो, वहाँ से करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस यहाँ पे देखो लगा के, चलो ठीक है लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ। बस तो देखिए यहाँ पे करंट नहीं आ रहा है, ये इसके अंदर फॉल्ट है। ये जो सफ़ेद वायर है यहाँ पे ये वाली, ये आरम यूज पे आती है, लेकिन इसमें यहाँ पे करंट आ रहा है, हमने चेक किया और लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। ये जो वाइट कलर की वायर है यहाँ पे आप देख रहे हो, तो ये या तो कहीं से टूटी हुई है या फिर कुछ ना कुछ और फॉल्ट है, वो वायरिंग चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका ये जो कवर होता है यहाँ पे इसको खोल के देखेंगे, हो सकता है कि यहाँ से कुछ फॉल्ट हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ, जिसे यूज करके आप आसानी से फॉल्ट पकड़ सकते हो, ठीक है। देखिए हमें इसमें एक वायर लगा लेनी है इस तरीके से, और फिर इसको वापस आर यूनिट में लगा देना है। लगाओ, आराम से लगा लो आराम से, बहुत वहाँ यहाँ पर जो है डिफिकल्ट जगह है, बहुत ही यहाँ पे मुश्किल से लगता है वायर। लग गया। तो देखिए हमने व्हाइट कलर की वायर में ये वायर जोड़ ली, अब यहाँ पे एक वायर लगाएंगे, लगाओ इसको,
बस अब ये वायर हमने ले ली, देखिए पूरी वायर है ये, और इस वायर को यहाँ पे लगाएंगे व्हाइट कलर की वायर में, और फिर हमें पता लग जाए कि कहाँ पे फॉल्ट है। लगाओ इसको, तरीके से लगा बस। तो अब देखिए हमने वायर बाईपास कर दी, यहाँ पे सफेद वायर में लगा दिया वायर, और यहाँ से ले जाके इसको यहाँ से ले जाके फिर आर यूटी में लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब चेक करेंगे शर्ट होती है या नहीं होती है। चलो ठीक है, लगा के शर्ट करो, बैटरी की वायर हटी हुई है अभी, ठीक है लगाओ। बस देखिए ये वायर यहाँ से लगी हुई है ये वाली, और ये बिना बैटरी के शर्ट हो गई, ये देखो वायर हटी हुई है, ठीक है, और ये स्टार्ट है। तो इस तरीके से हम बाईपास करके हमें पता चल गया कि इसकी सफ़ेद वायर में ही फॉल्ट है, वो हम वायरिंग चेक करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो और अब मैं इसको हटा के देखता हूँ ये बंद होती है या नहीं। तो देखिए ये तुरंत बंद होगी इस वायर के हटते ही। तो आप इस तरीके से बड़ी वायर लगा के, क्योंकि इसमें एक्टिवा में क्या है ये वायरिंग ढकी हुई रहती है ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये देखो हमने आर ड्यूटी में लगाई थी वायर, और ये स्टार्ट होगी बिना बैटरी के। तो इस तरीके से हम फॉल्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसका ये कवर ओपन करते हैं यहाँ से, और आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर एक्चुअली में फॉल्ट क्या था, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसका ये जो कवर है इसको खोलना पड़ेगा। बोल्ट मैंने पहले इसके लूज कर लिए थे, इसको खोलो। सबसे पहले यहाँ से वायरिंग देख लेते हैं, नहीं तो फिर इसका सारा डैशबोर्ड जो होता है वो सभी ओपन करना पड़ेगा वायरिंग चेक करने के लिए। यहाँ से चेक करो पहले, खोलो उधर से, निकालो उसको, लो पकड़ो उसको। हाँ ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे चूहे वगैरह इसमें, ये बाइक काफी टाइम से खड़ी हुई होगी, और यहाँ से चूहे ने वायरिंग काटी हुई है। ये देखिए यहाँ पे, ये इसमें ये पेपर वगैरह पड़े हुए हैं, फटे हुए, ठीक है। काफ़ी सारी डस्ट लगी हुई है यहाँ पे, और ये देखिए सबसे ऊपर ही है ये रही वायर, वाइट कलर की वायर जो आर यूनिट पे जाती है यहाँ से, ठीक है। ये वाली वायर यहाँ से और आर यूनिट पे जाती है यहाँ से निकल के, ठीक है, और फिर आर यूनिट वहाँ से 12 वोल्ट निकालता है बैटरी चार्जिंग के लिए। तो ये वायर टूटी हुई थी, इसी की वजह से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती थी बार बार, ठीक है। अगर बैटरी चार्ज भी करवाए थे वो बाद में डिस्चार्ज हो जाती। इसको लगाओ, लगाओ इसको, और भी वायर चेक करो यहाँ से, देखिए हल्की सी यहाँ से ये वायर भी छीली हुई है, लेकिन ये अलग नहीं टूटी, ये इंडिकेटर की वायर है ऑरेंज वाली, और वायर तो यहाँ पे ठीक है, हल्की सी ये भी छीली हुई है यहाँ से, देखो ये वाली अर्थिंग की, ये सॉरी इसकी बैकलाइट की है, ये हरे पे पीली लाइन ये भी छीली, लेकिन ये तो यहाँ से ये देखो ये यहाँ से टूटी हुई है ना सफ़ेद वाली, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो चलो इसको लगाओ, जोड़ो इसको, बस। तो देखिए इस वायर को जोड़ दिया हम यहाँ पे, बाद में टेप वगैरह कर देंगे, और अब चलते हैं इसके फ्रंट में और चेक करते हैं कि अब भी बिना बैटरी के स्टार्ट होती है या नहीं होती है। चलो स्टार्ट करो, एक सेकंड, चलो
एक्सीलेटर लो, ये देखिए यहाँ से मैंने बैटरी के वायर हटा दी और अभी स्कूटी स्टार्ट है। ये देख, ये वायर टूट गई थी यहाँ से, ठीक है, और इसको हटाते ही ये बंद हो जाएगी। ये देखो मेरे अभी इसने करंट लग गया था यहाँ से हल्का सा, कोई बात नहीं, देखिए मैंने इसको हटाया और बंद होगी। तो इस तरीके से आप भी वायरिंग चेक कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सिचुएशन आती है तो यहाँ से वायरिंग वगैरह टूट जाती है, लेकिन उसमें हम परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या फॉल्ट है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।